हाय गाइस, माय नेम इज इनिया एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे आपके दिल और दिमाग की जो कश्मकश है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपके जहन में, आपके माइंड में जो दो आवाज़ें हमेशा चलती रहती हैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। और ये दो आवाज़ें आपस में कभी अग्री नहीं करती, ये तो जानी दुश्मन समझ लीजिए। क्योंकि एक आवाज़ कहेगी कि आपको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके लिए आप पैशनेट हो, दूसरी आवाज़ आपको कहेगी कि नहीं, इस जॉब को छोड़ दिया तो आपके साथ क्या होगा, आप रेंट कैसे पे करोगे, आप गाड़ी की EMI कैसे दोगे। तो ये जो दो आवाज़ें हैं वो कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं, और इनको चूज करने के रेपरकशंस, मतलब इनको किसी एक आवाज को जब आप चूज करते हो तो उससे आगे आने वाली आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये दो आवाजें, दोनों आवाजें ही आपके माइंड में, आपके थिंकिंग ब्रेन से आती हैं। दोनों आवाजों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि एक जो है वो फियर से आती है और एक करेज से। फियर जो आपको रिस्क लेने से मना करता है, करेज जो आपकी दिल की आवाज़ जो एक कुछ कुछ टाइम बाद जो आपको झंझोड़ती है कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहती हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, और फिर जो दुनिया की कंडीशनिंग है वो डर की वजह से जो आप अपने आप को पीछे खींचते हैं, यही डिफरेंस है इन दो आवाज़ों में। एक डर से आ रही है और एक करेज से। गलत कुछ नहीं है, आप किसी भी आवाज़ को चूज करें, वो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ है। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो लोग इस डर की आवाज़ को चुन के अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए डर की आवाज़ हमेशा बढ़ती ही जाती है। हर बार जब आपने डर की आवाज़ को सुन के कोई डिसीजन लिया है तो नेक्स्ट वाला जो डिसीजन है वो और भी ज़्यादा उससे अफेक्ट होता है, मतलब वो जो फियर की आवाज़ है वो और भी बुलंद हो जाती है। बट अगर आप करेज से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आपको होपफुल होकर अगर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, कुछ मैं जो चाहती हूँ वैसा करना है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपकी करेज की आवाज़ और भी बुलंद होकर बोलेगी। गलत और सही इसमें कुछ नहीं है, मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि इनका रेपरकशन क्या है, इनका आगे आने वाली आपकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ेगा कि जिस भी आवाज को आप चुनेंगे वो अपनी जिंदगी, आपकी आने वाली जिंदगी में आगे बुलंद होती जाएगी। तो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी आवाज को एनर्जी देना चाहते हैं, कौन सी आवाज को बुलंद बनाना चाहते हैं। वो आपके हाथ में ही है, तभी आप बड़े बड़े यहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके जो सेमिनार्स हैं उनमें वो आपसे कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज जरूर कराते हैं जिससे आप अभी बहुत डरते हैं, आपको लगता है कि आप जैसे आग पे मैं नहीं चल सकता, पर वो आपको कोयले पे, जो आग जला हुआ कोयला उस पे चलवाते हैं ताकि आप अपने करेज की आवाज़ को चुनना शुरू करें, ताकि अगली बार उसको चुनना उतना ही आसान हो जाए। और आई होप आपको ये मैसेज पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I look forward to your comments and feedback. तो मुझे ज़रूर आप comments करके बताना कि आप कौन सी आवाज़ को next time चुनेंगे और वो choose करने से आपको कैसा feel हुआ। तो please मुझे comments के through आप ज़रूर बताना। Thank you so much for watching this video. Bye bye for now.